कभी कभी कान में पानी या गंदगी चले जाने के कारण कान में तेज दर्द होने लगता है। अगर सही समय पर इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये दर्द इन्फेक्शन में भी बदल जाता है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कान के बैक्टीरिया और वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन कैंसर का कारण बन सकता है। आज हम घर में ही कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं। एक दश अगर आपके कान में तेज दर्द हो रहा है तो इसे ठीक करने के लिए एक कप में नमक को लेकर एक पैन में डाल दे। जब ये अच्छे से लिए हो जाए तो इसे किसी कपड़े में डालकर ऊपर से रबर बैंड से बांध दे और इससे अपने कान की सिकाई करें। ऐसा करने से आपको कान दर्द और इन्फेक्शन से छुटकारा मिल जाएगा। दो दश लहसुन में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं। कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए थोड़े से सरसों के तेल में लहसुन को उबालकर अपने कानों में इन्फेक्शन वाली जगहों पर डालें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन दूर हो जाता है। तीन दश कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के कुछ पत्तों को लेकर इसका रुपए निकाल लें और फिर इस रुपए को कान में डालें। ऐसा करने से कान दर्द, इन्फेक्शन और कम सुनाई देने की समस्या कुछ ही समय में दूर हो जाएगी।